बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर तौहीद ज़ीरक। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग योर साउंड हेल्थ एट योर होम एंड यू आर सेफ। मे ऑलमाइटी अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी एट योर होम, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग विद मी? येस, इट्स गुड। आज हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें सीजन से नवाजा है और हमें उसने डिफरेंट सीजन्स ब्लेस किए हैं, यानी अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट मौसम दिए हैं। किसी मौसम में हमें ठंड लग रही होती है, किसी में हमें गर्मी लगती है, किसी में हमें बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स ब्लूम करते हुए नज़र आते हैं प्लांट्स पर, और किसी किसी में बहुत मज़े के ड्राई फ्रूट्स नज़र आते हैं खाने के लिए। लेकिन उस सीज़न में लीव्स भी गिरते हैं ट्रीज से। तो डू यू वॉन्ट टू नो कि आज हम सीजन्स की बात करने जा रहे हैं और वो कितने सीजन्स हैं और कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। देयर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर, यानी अल्लाह ताला ने हमें चार सीजन से नवाजा है। अगर एक ही तरह का सीज़न हो तो हम उससे तंग आ जाते हैं ना। अगर बिल्कुल गर्मी हो हर वक्त तो हम उससे भी तंग आ जाते हैं, हर वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उससे भी तंग आ जाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीज़न से नवाजा है। तो हमें चाहिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतने प्यारे प्यारे सीजन्स दिए। तो अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन से फोर सीजन से ब्लेस किया है। वाओ, तो दीज आर द फोर सीजन। जो फर्स्ट सीजन आपको नजर आ रहा है जिसमें प्यारे प्यारे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और बटरफ्लाइज हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। जो नेक्स्ट सीजन आपको नजर आ रहा है जिसपे ग्रीन लीव्स हैं और सनशाइन कर रहा है, सनशाइन से हमें गर्मी भी लगती है, तो दिस इज कॉल्ड समर सीजन। नीचे जो ट्रीज से लीव्स नीचे गिर रहे हैं और ऑरेंज और येलो कलर के लीव्स हैं, इसको हम कहते हैं ऑटम सीजन। एंड द लास्ट वन इज विंटर सीजन, जिसमें स्नो गिरती है और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमें। तो अब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। डू यू वॉन्ट टू नो कि इसमें क्या क्या होता है हर सीजन में? ओके, लेट्स लर्न विद मी स्टूडेंट्स। द फर्स्ट सीजन टू कम इन द ईयर इज स्प्रिंग सीजन। साल में जो सबसे पहला सीजन आता है वो है स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है हम देखते हैं। स्प्रिंग सीजन में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं प्लांट्स पर, हर तरफ बटरफ्लाइज होती हैं, प्यारी प्यारी सी हमें रेनबो नजर आ रही होती है, ग्रीनरी होती है, और हर जगह हमें फ्रेश फ्रेश सब कुछ नजर आ रहा होता है। फ्रेश ग्रीन ग्रास होती है, फ्रेश लीव्स होते हैं ट्रीज पे, और बहुत प्यारी सी हल्की हल्की सी हवा भी चलती है। और स्प्रिंग सीजन, यू नो स्प्रिंग सीजन इज माय फेवरेट सीजन। अब जब मैं आपको सारे सीजन्स पढ़ा दूंगी तो आपने भी मुझे बताना होगा कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। द सेकेंड वन इज समर सीजन। डियर स्टूडेंट्स, समर सीजन में सन निकलता है दिन में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो हमें पानी से खेलना और पानी में जाना बहुत पसंद होता है। इसलिए बहुत से बच्चे वाटर फाइटिंग भी करते हैं और पानी में भी खेलते हैं, और नहाना तो बहुत पसंद करते हैं। कई बच्चे मामा बाबा से स्विमिंग पूल में जाने की जिद करते हैं और वहाँ जाकर खूब इंजॉय करते हैं पानी में। प्यारे बच्चों, आपको पता है समर सीजन में हम बहुत ही लाइट कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो बच्चे गर्मियों में शॉर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, सनग्लासेस लगाते हैं और कैप्स पहनते हैं, ताकि सनग्लासेस और कैप्स से वो धूप से बच सकें और ज़्यादा उनको धूप उनकी आईज़ को इफ़ेक्ट भी ना करे और उनके सर में भी दर्द ना हो। तो नेक्स्ट टाइम आपने भी जब धूप में निकलना है ना समर सीज़न में, तो कैप और ग्लासेस ज़रूर लगाने हैं ताकि समर सीजन में आप धूप से बच सकें। वाओ, समर सीजन की सबसे बेस्ट चीज है वाटर में खेलना। मुझे भी पानी के साथ बहुत मजा आता है, और बच्चे तो वाटर स्लाइड्स लेते हैं, वाटर फाइटिंग करते हैं, जूसेस पीते हैं,
और पानी में खेलना उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। उन्होंने घर में भी स्विमिंग पूल रखे होते हैं और वो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं समर सीजन में। वाओ, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट, मैंगो। आपको पता है समर सीजन में मैंगोज आते हैं और मैंगो बहुत ही यमी और टेस्टी एंड स्वीट होते हैं। समर सीजन में बहुत से डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन। वाटरमेलन भी बहुत ही स्वीट और जूसी होता है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। एंड द थर्ड वन इज मेलन। मेलन इज ऑल्सो यमी इन टेस्ट एंड इट इज ऑल्सो स्वीट, और ये तीनों फ्रूट्स समर सीजन में आते हैं। हम और भी बहुत कुछ खाते हैं समर में, ये तो बहुत यमी चीजें लग रही हैं। समर में हम लोग जूसेस पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड सैलड्स खाते हैं, वाटरमेलन एंड सैलड्स एक्सेट्रा। तो समर सीजन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें मेरी सारी फेवरेट चीजें खाने की होती हैं। आपको कौन सा सीजन पसंद है? ओके, नाउ द थर्ड सीजन इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में ट्रीज के लीव्स का कलर ऑरेंज और येलो हो जाता है और ट्रीज से लीव्स गिरने लग जाते हैं और हल्की हल्की सी ठंडी हवा चलती है जिसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगती है। ऑटम सीजन का एक और नाम होता है, यस, फॉल सीजन। तो ऑटम सीजन जो फॉल सीजन में लीव्स ट्रीज से फॉल करते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम सीजन, और हल्की हल्की सी ठंडक भी होती है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट सीजन इज विंटर सीजन। विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और कहीं कहीं तो स्नो फॉलिंग भी होती है, यानी बर्फबारी होती है, और बच्चे विंटर वेकेशंस में वहाँ पर एंजॉय करने भी जाते हैं। जब सब बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है तो स्कूल में विंटर वेकेशंस हो जाते हैं, और विंटर वेकेशंस में हम मरी जहाँ पर ठंड होती है या स्नो फॉल होती है हम वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, तो विंटर सीजन में स्नो फॉल होती है। वाओ, ये बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द स्नोफॉल एंड दे हैव ऑल्सो मेड अ स्नोमैन। आपने देखा पीछे बर्फ से इन्होंने स्नोमैन बनाया है, इट्स लुकिंग नाइस। दे आर ऑल्सो एंजॉइंग इन द स्नो सीजन। और आपको पता है स्नोई वेदर में या विंटर सीजन में हम लोग क्या खाते हैं? ड्राई फ्रूट्स। किस किस को ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं? मुझे भी ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। वाओ, और आपको पता है सर्दियों में हमारे खाने के लिए ज्यादा दिल करता है कि गरम गरम सी चीजें हों, जैसे कि सूप, नूडल्स, पिज्जा, स्पैगेटीज, फिश, इस तरह की चीजें हमें खाना बहुत पसंद होती हैं। और विंटर सीजन में चाय और हॉट चॉकलेट तो सबको ही पसंद होती है क्योंकि वो हॉट होती है, गरम गरम होती है, तो सर्दियों में हर चीज गरम गरम अच्छी लगती है खाने में। और आपको पता है सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, जैसे कि जैकेट्स, लॉन्ग बूट्स, ग्लव्स, कैप्स, कोट, इस तरह की चीज़ें हम पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे और हम बीमार ना हों। सब बच्चे अब क्योंकि आजकल विंटर सीजन है तो उन्होंने घर में रहना है और अपने सारे गर्म कपड़े पहन के रखने हैं ताकि आप लोगों को ठंड ना लगे, ठीक है? वाओ, विंटर सीजन का ये फ्रूट है ऑरेंज। विंटर सीजन में एक फ्रूट आता है जिसको ऑरेंज कहते हैं और ये स्वीट एंड सार होता है और बहुत टेस्टी होता है। द नेक्स्ट फ्रूट इज गोवा, इट्स ऑल्सो वेरी स्वीट एंड यमी। एंड द थर्ड फ्रूट इज कीवी, ये भी स्वीट एंड सार होता है, और ये तीनों फ्रूट्स विंटर सीजन में आते हैं। नाउ टेल मी, नेम फोर सीजन्स। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। रिपीट विद मी, नेम फोर सीजन्स। सब बच्चे मुझे सुनाएंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। सब बच्चे दोबारा मेरे साथ रिपीट करेंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। गुड। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? फोर।
स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। गुड, यू ऑल आर वेरी नाइस चिल्ड्रन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डू होमवर्क। आप सब ने होमवर्क भी करना है, और आपको पता है वो क्या है? यू हैव टू लर्न पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन थ्री, विच इज नेम फोर सीजन्स। ऑल ऑफ यू रिपीट विद मी। द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, द नेक्स्ट इज समर, द थर्ड वन इज ऑटम एंड द फोर्थ वन इज विंटर। ओके, नाउ नेम फोर सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एन इंटरेस्टिंग वर्कशीट। डू यू वॉन्ट टू नो वॉट इट इज? यस, यू हैव टू कलर द फ्रूट दैट कम्स इन विंटर। आपने उस फ्रूट में कलर करना है जो कि विंटर सीजन में आता है, और प्यारे प्यारे से कलर करके आपने टीचर को उसकी पिक्चर सेंड करनी है। सब बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं और उसकी टीचर को पिक्चर सेंड करनी है। आई विल वेट फॉर योर पिक्चर्स। हैव ग्रेट फन एंड वेकेशंस, स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।